गाढ़ावरा नगर में नवरात्रि पर होने वाले संकल्प गरबे को लेकर राजवंश होटल में बड़े पैमाने पर चल रही तैयारियां। आपको बता दें कि पिछले 12 वर्षों की भांति इस वर्ष भी गाढ़ावरा में नवरात्रि पर गरबा आयोजित किया जाता है। यह जो कि संकल्प समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें शहर की बच्चियाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपने नित्य गरबे को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं व्यापक पैमाने पर अच्छे तरीके से यह गरबा आयोजन हो, संपन्न हो, जिसके तहत गोल्ड जैन भी आयोजककर्ता संकल्प के हैं, जो कि काफ़ी मेहनत और अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, जिसके चलते यह संकल्प गरबा काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा। अभी देखते हैं पूरी खबर गाढ़ावरा से। संकल्प गरबा की प्रैक्टिस चल रही है, कैसा क्या प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, मैं दीप्ति लमारिया यहाँ पर ट्रेनर के तौर पे आई हूँ। मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि गरबा जो भी त्यौहार है माँ दुर्गा के, उसमें किया जाता है नवरात्रि के दौरान। इसको गुजरात में बहुत धूम और धाम से किया जाता है, महिला से लेकर पुरुष गुजरात में अच्छे से उसको मनाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अक्षरा सोनी। जैसा कि अदिति ने बताया कि गुजरात में गरबा होता है, हमारे शहर गाढ़ावरा में भी संकल्प गरबा के द्वारा 11 सालों से रुद्र मैदान में गरबा आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी नामदेव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गाढ़ावरा में गरबा होता आ रहा है 11 सालों से। इसमें सभी उम्र की छोटी से बड़ी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक सभी इसमें बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट लेते हैं और माँ दुर्गा की आराधना, ये सिर्फ लेते ही नहीं, ये माँ दुर्गा की आराधना है और हम इसे बड़े उत्साह के साथ करते हैं। संकल्प गरबा जो कि प्रतिवर्ष अनुसार गोल्ड जैन रुद्र खेल ग्राउंड पर आयोजित किया, जिसकी प्रैक्टिस में बच्चे लोग काफ़ी उत्साह से आ रहे हैं, कैसा क्या पूरा कार्यक्रम रहता है? पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा। कार्यक्रम गरबा का आयोजित होता है, लगभग 12 साल 11 साल हो चुके हैं हम लोग इसको करते हुए। नगर के वासियों का हम पर पूरा विश्वास और बहुत प्यार मिलने के कारण हम इसे अति उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे पास आज के समय में 300 से 400 पार्टिसिपेंट हैं जो कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारी मदद करते हैं। वह अपने पूरे उत्साह के साथ, बच्चियाँ छोटी भी हैं, 5 साल की भी है, 7 साल की भी है, उससे लेकर सभी उम्र की बच्चियाँ महिलाएँ हैं हमारे शहर की सहभागिता हमारे गरबा में देती हैं और उनका पूरा सुरक्षा का ध्यान हम लोग रखते हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ उनको हमारा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अच्छे से अच्छी सुविधाओं के साथ इस गरबा को सीखने और सिखाने का मौका दिया जाए। इन सभी के साथ मैं चाहूँगा कि नगर के वासी मुझे इसी तरह प्यार देते रहें तो हम लोग आपसे अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती रहती है? हर काम बहुत कठिन होता है, पर ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से अब सब व्यवस्थित हो चुका है। सभी लोगों का अपना एक कारोबार होता है, पूरी एक टीम है जो सैकड़ों लोग उसमें होते हैं, वो सभी अपने अपने प्रभार को संभालते हैं। कुछ उसमें बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कार्यक्रम को करने में अपनी पूरी ऊर्जा का खर्च करते हुए और बहुत अच्छा आयोजन करने में हमारी मदद करते हैं।